हम रोज बहुत मेहनत करते हैं मगर कभी कभी हम हार भी जाते हैं, लेकिन इससे सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम हारे या जीते, वो रोज सुबह आता है नए अपॉर्चुनिटीज के साथ। उसी तरह हमें भी रोज सुबह उठना चाहिए जल्दी 10 से 12 बजे तक नए अपॉर्चुनिटीज के तलाश में। तो मैं भी वही करता हूँ, उठ जाता हूँ और लग जाता हूँ मेरे गोल्स और एस्पिरेशंस की तरफ। लेकिन मैं इस गोल की बात नहीं कर रहा, ये तो करना पड़ता है, नहीं तो क्या करें, कॉफ़ी में एक्स्ट्रा कैलोरीज जो आ जाते हैं। क्या आपने कभी ब्लैक कॉफ़ी ट्राई की है? अगर आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीते हो, आपको वो ऐड कर लेनी चाहिए। ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, ये आपकी नींद भगाता है, फैट लॉस में भी कभी कभी मदद कर देता है, लेकिन ये नींद ज़रूर भगाता है क्योंकि ये हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। तो इस कॉफ़ी में मैं दूध, शक्कर ये सब कुछ मिक्स नहीं करता, इसे मैं ऐसे ही पी लेता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, आपको ट्राई कर लेना चाहिए। तो अभी बातचीत ज़्यादा हो गई, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब सेफ हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो हमें एक क्वेश्चन आया था हमारे प्रीवियस वाले पोस्ट में, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोड मैप टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर आर्किटेक्ट, एंड कितना टाइम लगता है टू गेट रेडी फॉर अ जॉब, एंड एज अ फ्रेशर हाउ टू अप्लाई एंड अप्रोच दीज कंपनीज। तो हम आज इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले थोड़ी कॉफ़ी पी लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो मुझे आया है, हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। हाउ टू गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाकर आप देख सकते हो, लेकिन आई विल ऑल्सो गिव आंसर्स हियर ऑन दिस वीडियो। तो अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास कोई जॉब है नहीं, आपका मेन फोकस होना चाहिए सबसे पहले आपका नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए। दैट कैन बी क्लाउड में आपका नॉलेज इम्प्रूव करना है, DNS से रिलेटेड नॉलेज, MX रिकॉर्ड रिलेटेड नॉलेज, तो ये सब AWS के रिलेटेड, Azure के रिलेटेड आपको सबसे पहले क्लाउड के बारे में सीखना है। तो ये आपने एक बार सीख लिया है फ्रॉम YouTube, Udemy, जो भी साइट्स है, ये सब मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया। सो वंस दिस इज़ डन, आपको छोटे कंपनीज में अप्लाई करना है। आपको ये नहीं करना है कि आपको जाके डायरेक्टली AWS या माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई करना है, क्योंकि आपको जॉब्स नहीं लगेंगे, बिकॉज दीज कंपनीज लुक आउट फॉर एक्सपीरियंस, या आप कोई IIT पास आउट या कोई हायर रैंक वाले बंदे होने चाहिए, बंदे या बंदी, विच इज नॉट द केस ऑल द टाइम, सबके साथ ये नहीं होता है। तो योर मेन फोकस शुड बी फर्स्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, आपका नॉलेज आपको इम्प्रूव करना है, एंड वंस दैट इज डन आपको छोटे कंपनीज में अप्लाई करना है। और छोटे कंपनीज में क्यों अप्लाई करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सीखने मिलेगा जो आपने पढ़ा है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन एक्सपीरियंस। और वंस यू हैव 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया है, 3 से 4 साल का, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इन बिग कंपनीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ फ्रेशर हाउ कैन आई गेट अ जॉब, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज इंप्रूव करना, और सेकंड छोटे कंपनीज में अप्लाई करना। ज़्यादा बोलते ना ऐसे, हमारे यहाँ पर बोलते हैं ज़्यादा पटेली मार के बड़े कंपनीज में अप्लाई नहीं करना, आपको जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि दे लुक आउट फॉर एक्सपीरियंस पीपल। छोटे कंपनीज में आपके पास नॉलेज होगा, आपको जल्द से जल्द जॉब भी लग जाएगा और आप प्रोजेक्ट्स पे काम भी करोगे। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्चुअली छोटा लेंस है, वाइड एंगल लेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंस बदलेंगे, लेंस चेंज करना होगा। लेंस का बैग यहाँ पर है। तो ये जो लेंस है ये मैंने खरीदा था, पहले मैं व्लॉग्स भी करता था थोड़े बहुत। ओ शिट, गिर गए। तो ये वाला वो लेंस है। सो दिस इज कैनन्स 10-18 लेंस। तो इससे क्या होगा, इससे बैकग्राउंड भी आपको अच्छे से दिखेगा। ये मैं अभी चेंज करूंगा एंड यू विल कम टू नो मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये लेंस लगा के। तो ये रहा ये लेंस। तो अभी ये 18 mm पे है और ये रहा 10 mm पे। तो एक वाइड एंगल व्यू देता है, आपको बैकग्राउंड भी अच्छे से दिखता है, एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ वाइड एंगल लेंस। तो अभी हम बाहर जाएंगे, विल बाय अ कोकोनट यस, और उसके बाद आके हम बात करेंगे। अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस पसंद है जहाँ पर आपको लाइव भी देखने मिल रहा है, मतलब मैं क्या करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आपको व्लॉग टाइप कंटेंट पसंद है अलोंग विद नॉलेज शेयरिंग, तो फिर आई विल कम टू नो कि मुझे किस तरीके के वीडियो बनाने चाहिए सो दैट यू गाइज लाइक इट। तो
कैप तो बहुत कंपलसरी है, और इसके साथ हम मास्क भी पहनेंगे। मास्क तो पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो दुबई की पुलिस एटलीस्ट 3,000 दिरहम का फाइन मार दिए। को इतनी धूप है यहाँ पर, क्या बताऊँ मैं तो। इंडिया को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, इंडिया की बारिश मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अभी, एंड बहुत टाइम भी हो गया इंडिया के, लाइक मोर देन 2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर मैं दिसंबर में आया था, एंड इट्स बीन मोर देन 1.5 ईयर्स, एंड इंडिया की बारिश मैं बहुत मिस करता हूँ। तो पता नहीं अभी लॉकडाउन कब ओपन होगा, कब सब कुछ ठीक होगा, एंड विल बी एबल टू ट्रैवल। कट करके तुम क्या, आपको ये बात पता है दुबई में बाइक्स बहुत कम है कंपेयर टू फोर व्हीलर, और यहाँ पर फोर व्हीलर का लाइसेंस मिलना इतना डिफिकल्ट है। इंडिया में तो मुझे बहुत इजीली मिल गया था, लाइक मैंने तो कार चलाया भी नहीं था ऐसे ही, मतलब जो बाजू में बैठा था मेरा ट्रेनर, उसको बोला था कि मुझे कार चलाने आता नहीं है, उसने बोला स्टेयरिंग पकड़ो और मैं क्लियर हो गया था। बट यहाँ पर दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना एक बहुत बड़ा बात है, लाइक इफ़ यू गेट क्लियर द ड्राइविंग लाइसेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक योर ग्रेट, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट 7-8 अटेम्प्ट तो लग ही जाते हैं टू क्लियर द ड्राइविंग लाइसेंस। एंड अगर आप इंडिया का पैसे कंपेयर करोगे, एटलीस्ट 1 लाख तो लाइसेंस का ही होता है, अगर आप फेल होते जाओगे तो 4-5 लाख लग जाते हैं, इतना एक्सपेंसिव है लाइसेंस यहाँ पर। तो गाइस कोकोनट लाया मैंने, और उसके साथ मैंने ये भी लाया, सॉल्ट खत्म हो गया था घर पे। तो जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, आई नो यू गाइस वॉच माय वीडियोस बिकॉज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज ऑफ जॉब, हाउ टू गेट जॉब्स आफ्टर इंजीनियरिंग, ये मेन रीज़न है आप लोग मेरा चैनल देखते हो। बट देन आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू मोटिवेट यू गाइस, देखो जॉब तो बहुत इंपॉर्टेंट है बट फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ़ यू गाइस आर नॉट इंक्लूडिंग कोकोनट इन योर डे टू डे रूटीन, मैं चाहता हूँ लाइक हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार आपको कोकोनट वाटर इंक्लूड करना चाहिए। रीज़न, अगर आपको कोई किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, ये आपको बचाता है, आपको हाइड्रेटेड रखता है हमेशा, अगर आपको क्रैम्स आते हैं तो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू लॉट, एंड देन इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। सो रादर देन इन्वेस्टिंग योर मनी, अब बहुत सारे लोग सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, रादर देन वेस्टिंग योर मनी, जिससे आपकी आपका बॉडी का हर्ट, आपको हर्ट होगा, आपको आपकी बॉडी को हर्ट होगा उससे, तो इन्वेस्ट इन समथिंग विच इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। एंड मुझे पता है इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिम्स ओपन नहीं है, आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो घर पे टू कीप यू मोटिवेटेड फिट, क्योंकि फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी आर नॉट फिट, अगर हम हेल्दी नहीं रहें तो हम काम ही क्या करेंगे। तो माइक लग गया है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है, सच्ची बता रहा हूँ गाइज, ये जो मक्खियाँ हैं ना, ये दिमाग खा जाती है ये लोग। गुड, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, ये जो क्वेश्चन पूछा है, रोड मैप टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर और आर्किटेक्ट एंड हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स टू गेट अ जॉब इन क्लाउड, ओके, तो इसका बहुत ही साधारण भाषा में मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मैं खुद अभी एक क्लाउड इंजीनियर नहीं हूँ। सो मैं आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप 1 साल में 2 साल में डायरेक्ट आप क्लाउड आर्किटेक्ट बन जाओगे या क्लाउड इंजीनियर बन जाओगे, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑल्सो। सिंस अभी चालू कर रहे हो आप जर्नी टुवर्ड्स अ क्लाउड, आपको जॉब नहीं लगा है अभी तक, तो और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। अभी एक कॉमेंट पढ़ा मैंने, वो लड़का बोल रहा था कि मुझे, मैं 3rd ईयर में हूँ एंड मेरा GPA बहुत लेस है, बहुत कम है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखो आप डायरेक्टली जाके क्लाउड आर्किटेक्ट या क्लाउड इंजीनियर नहीं बन जाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपका नॉलेज आप स्ट्रांग कीजिए और आप काम करने लग जाइए, कोई छोटे कंपनी में काम कीजिए, रियल टाइम एक्सपीरियंस लीजिए, सी हाउ एवरीथिंग वर्क्स, सी हाउ टू डिप्लॉय ऑल दी एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स, तो वहां से आप ग्रो कर जाओगे, ओके। और साइड बाय साइड आपको पढ़ाई भी करना है, जैसे मैं यूडेमी पे पढ़ रहा हूँ AWS के बारे में, एंड मैं उसकी वीडियोस भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो उसी तरह आपको काम करना है,
साइड बाय साइड किसी छोटे कंपनी में, क्लाउड बेस्ड कंपनी में, जो एक सीआरएम कंपनी होगी या क्लाउड टेलीफोनी कंपनी, बहुत सारे कंपनीज है विच डेवलप क्लाउड प्रोडक्ट्स, उसमें आपको काम करना है, ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस, नॉलेज, एंड साइड बाय साइड पढ़ाई कीजिए, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लैंड इन टू अ क्लाउड आर्किटेक्ट पोजिशन, बिकॉज कंपनीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए डीलिंग विद बिग क्लाइंट्स, क्योंकि वो लोग पूछेंगे आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, कितने जन के लिए आपने, कितने कंपनीज के लिए आपने ये डिप्लॉय किया है, माइग्रेट किया हुआ है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपको जॉब लगेगा. सो स्टार्ट ऑफ द करियर आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली मुझे क्लाउड आर्किटेक्ट ही बनना है, आपका करियर सपोर्ट से भी स्टार्ट हो सकता है. आप सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज सॉल्व कर रहे हो एंड फ्रॉम देयर आप साइड बाय साइड वीकेंड्स में कोर्स कर रहे हो रिगार्डिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, हाउ टू डिजाइन आर्किटेक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑन AWS, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो. एंड देन आपको एक छोटा सा जॉब लग जाता है विच इज रिलेटेड टू क्लाउड, तो उस तरीके से आप ग्रो कर जाओगे. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आप एक या दो साल में डायरेक्ट क्लाउड आर्किटेक्ट नहीं बन जाओगे, बिकॉज इट इज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, टाइम लगता है कोई भी चीज़ के लिए, अगर आपको फिट भी होना है, बॉडी भी बनानी है, आप एक हफ्ते के अंदर फिट नहीं हो जाते हो, राइट? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 9 months, 10 months, सालों भी लग जाते हैं वेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड इट नेचुरली. तो ये मेरा फीडबैक है इसके रिगार्डिंग, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, तो एक क्विक कॉल लेना था, वो खत्म हो गया. तो ये मेरा फीडबैक है रिगार्डिंग द क्वेश्चन. और एक और मुझे डाउट आया था, वो बंदा थर्ड ईयर में था, उसका GPA बहुत लेस है. सो आई वुड रेकमेंड कोई कोर्स कीजिए आप Udemy से, अगर आप वेब डेवलपमेंट में हो, अगर आपको क्लाउड पसंद है, क्लाउड के रिगार्डिंग कोर्स कीजिए. अगर आपको कोडिंग पसंद नहीं है, एक और क्वेश्चन था लाइक कोई नॉन टेक्निकल नॉन कोडिंग जॉब्स है क्या, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा. सो येस, देर आर अ लॉट ऑफ नॉन कोडिंग जॉब्स ऑल्सो, मुझे खुद को कोडिंग पसंद नहीं है, तो वो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में. तो उम्मीद करता हूं आपको इससे काफी हेल्प मिल गया होगा, एंड मैं चाहता हूं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको किस तरीके के वीडियोस पसंद है, एंड कोई भी क्वेश्चंस हो गए आपके वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, एंड देन आई विल बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वीडियो. ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, मच लव, गॉड ब्लेस यू ऑल.